दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। आज हम आपको दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। इनके रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप अपनी मुंह से जुड़ी समस्त समस्याएं, जैसे दांतों से जुड़ी समस्याएं, मुंह से दुर्गंध आना, दांतों में पायरिया और दांतों और मसूड़ों से खून आना जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह योगाभ्यास बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। आइए देखते हैं कि इन योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दांतों की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करते वक्त मुंह को, जीभ को गोलाकार बना लेते हैं और मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं। यथाशक्ति श्वास को रोकने के बाद जब श्वास छोड़ने का मन हो, नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। शीतली प्राणायाम को रेगुलर 5 से 7 बार कीजिए। इससे हमारे दांतों की सब समस्याएं दूर होती हैं। दांतों और मसूड़े हमारे स्वस्थ बनते हैं और पायरिया जैसे रोग भी दूर होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इसको करने के लिए भी हम दोनों दांतों की पंक्तियों को मिलाकर होठों से शीतकार की आवाज करते हुए, सी सी की आवाज करते हुए श्वास को अंदर भरना है। फिर यथाशक्ति रोकने के बाद नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को आपने बाहर छोड़ देना है। अगर आपके दांत कम हैं, संवेदनशील हैं, तो आप शीतकारी प्राणायाम को ना करें, आप शीतली प्राणायाम को ही करें। हम अब नेक्स्ट अभ्यास बताएंगे, यह होती है मुद्राएं। ये हस्त मुद्रा है, अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका अंगुली को अंगूठे से ऐसे मिला लेना है। नेत्र विकार को दूर करने के लिए भी अपान मुद्रा बहुत अधिक लाभकारी होती है। इसे रेगुलर आप अगर 10 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो दांतों से संबंधित समस्त रोग दूर होते हैं या आपको कभी भी दांतों के रोग नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट मुद्रा करेंगे आप तर्जनी और मध्यमा अंगुली को अंगूठे से ऐसे मिला लेना है आपने। यह भी दांतों के रोगों को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। इसको भी आप रेगुलर 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, हमारे अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में ये जोड़सन को ऐसे दबाने से, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे दबाने से भी दांत दर्द में हमें राहत मिलती है, दांत के समस्त रोग दूर होते हैं। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही अधिक लाभकारी होते हैं। हाथों की तरह हमारे पैरों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ये अंगूठा और इसकी दूसरी अंगुली के बीच में वाले हिस्से को भी आप 2 मिनट रेगुलर ऐसे दबाइए। इससे हमारे दांतों की समस्त रोग दूर होते हैं। ऐसे आपने 2 मिनट तक ऐसे दबाना है, आगे पीछे इसकी ऐसे मसाज करनी है। प्राणायामों और मुद्राओं के रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको पायरिया और आपके दांतों से खून आना जैसी समस्याएं दूर होती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।